हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस बुलेट जेड बैज एडिशन के बारे में, जो पुराने मॉडल्स के अपडेट वर्जन में जो कंपनी ने न्यू मॉडल बैज एडिशन करके निकाला है उसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज है मेरी स्लाइड पर दोस्तों। तो ये है वन प्लस बुलेट जेड बैज एडिशन टिप ऑफ रेड कलर। जी हाँ दोस्तों, ये है वन प्लस जेड बुलेट जेड से बैज एडिशन न्यू मॉडल जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ और काफ़ी अच्छा सा सेल्स हो रहा है। यहाँ पे आप लुक की बात करें तो यहाँ पे पहले जो मॉडल था ना, वो ये वाले बड्स के लाइन वायर्ड है ना, वहाँ पे आपका कंट्रोलर मिल रहा था। यहाँ का आपको लेफ्ट साइड दे दिया है आउटर साइड, ताकि आपको कंट्रोलर में काफ़ी ईजी रहे। फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे फटाक से, तो यहाँ पे बैज बूस्ट दिया हुआ है, ताकि सबसे मेन हाईलाइट चीज यहाँ पे बैज किया हुआ है। मैंने पर्सनली सुना है इनका बैज जबरदस्त है दोस्तों, क्या बोलूँ। मतलब अब बैस सुनोगे ऐसा लगेगा आजू बाजू में डीजे साउंड बज रहा है। फिर बात करते हैं चार्जिंग टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे 10 मिनट का अगर आपने चार्जिंग कर लिया है तो आपको 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलना श्योर है। आप 10 घंटे तक इसको आराम से चला सकते हो ओनली 10 मिनट चार्जिंग में। फिर टोटल बैटरी बैकअप की बात करें, यहाँ पे 70 आवर्स का बैटरी लाइफ दिया हुआ। हालांकि पहले जो पुराना मॉडल था वहाँ पे आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप पावर मिल रहा था। क्लियर एंड स्टेबल कॉल्स यहाँ पे भी दिए थे पुराने मॉडल्स में भी थे। वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक कंट्रोल, वो सब चीज़ें एज इट इज रखी हुई है, ठीक है। एंड देन मैग्नेटिक कंट्रोल काफी अच्छी चीज है, इसकी वजह से ही आपका बैटरी बैकअप काफी अच्छा चलता है। जब भी मैग्नेट कनेक्ट होंगे तब आपका पावर ऑफ हो जाता है, जैसे ही मैग्नेट अनलॉक होते हैं तो वो पावर ऑटोमेटिक ऑन होकर आपका फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए आते हैं अपनी आगे वाली स्लाइड पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका जो पैकिंग रहता है ना वन प्लस का, चाहे फोन लीजिए कि वन प्लस की कोई भी एसेसरीज आप परचेस कर लीजिए, उनका एक तो वाइट एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन, प्लस इनका जो बिल्ड क्वालिटी होता है ना, बॉक्स का पैकिंग मटेरियल काफ़ी ज़बरदस्त और प्रीमियम और रिच फील करवाता है, साउंड यू कैन फील। चलो इसको हम थोड़ी देर कर देते हैं साइड में। यहाँ पे दिया हुआ है इसका एसेसरीज का एक कंटेंट। एसेसरीज के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक चार्जिंग केबल जो काफ़ी लुक लाइक भी अच्छा है, लाइक वो चार्जिंग टाइप की। यहाँ पे आपको वन प्लस का मार्को मिल जाएगा, तो इसको भी करते हैं हम थोड़ी देर साइड में। दूसरा यहाँ पे आपको मिल रहा है यूज़र मैनुअल गाइड की, कैसे आपको ऑपरेट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है इसको कर देते हैं साइड में। फिर यहाँ पे आते हैं अपने को मेन चीज़ मिल रही है यहाँ पे रेड केबल क्लब का कार्ड मेंबरशिप। ये वन प्लस का काफ़ी अच्छा है कि आप कोई भी एसेसरीज भी लेते हो तो उसके साथ में एक आपको प्रीमियम कार्ड मिलता है, जिसका आप बार कोड से स्कैन करके redcableclub.com पे जाके आप वेबसाइट से परचेस भी कर सकते हो। इसको कर देते हैं साइड। फिर आपको मिल रहा है यहाँ पे बड्स स्मॉल रहा जो एक्स्ट्रा वाली, आपको यहाँ पे बड्स मिल जाएगी, इसकी काफ़ी ज़रूरत रहती है दोस्तों, संभाल कर रखना, मिलते नहीं है। ओके अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे है अपने वन प्लस बैज एडिशन। हाँ काफ़ी ज़बरदस्त दिखने में, लुक में काफ़ी परफेक्ट है सर। आप इसको देखो पूरा 360 है ना, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, ये मैंने पूरा मोड़ के दिया है पूरा। बट आप खाली देख सकते हो इसकी ड्यूल क्वालिटी कितनी है, वायर पे भी काफ़ी अच्छी ऐसी टेक्सचर्स डिज़ाइन दी हुई है, जिससे आपका एक क्वालिटी मेंटेन होगा। और बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेट टच की, तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेट टच मिल रहा है जिसका साउंड आप फील कर सकते हो। और इनका जो ये हेड है ना, ये काफ़ी मतलब कंफर्टेबल आपको लगेगा, क्योंकि मतलब पूरा ईयर शेप से बना हुआ है, तो आपके कानों में मतलब गिरने का तो चांसेस ही नहीं। और वेट की बात करो तो दोस्तों एकदम लाइट वेट है, पूरा रबर मटेरियल है, सो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी इनके फिजिकल लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक राइट साइड मिल रहा है वन प्लस का लोगो, और राइट साइड के वन प्लस का लोगो, और लेफ्ट साइड आपको मिलेगा वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, और आपको मिल रहा है प्ले पोस्ट और उसके कंट्रोल रूम। यहाँ पे ऊपर आपको व्हाइट कलर का इंडिकेट दिख रहा होगा, और पीछे की साइड आप देखोगे तो छोटा सा एक माइक दिया हुआ है, जो हालांकि नॉइज़ कैंसलर्स के साथ आता है। तो यहाँ पे है टाइप सी के केबल चार्जिंग पोर्ट, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसा है, और फेट में दोस्तों ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको इनका साउंड सुनाता हूँ कि इसका एक्चुअल बैज एडिशन कैसा साउंड है। और मेरे ओर से तो सर, अगर गेमिंग के लिए और अगर जिनका जो मतलब साउंड लवर्स है उनके लिए तो ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखाता हूँ मेरे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे नॉर्मली अनलॉक किया, सो वो यहाँ पे ऑलरेडी पेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, पेयर होने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक गाना लगा रहा हूँ, जैसे मेरा जिंगल बेल मेरा फेवरेट गाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे गाना प्ले करूँगा आप सुन सकते हो।
देखो जैसे ही इनका मैं टच कर दूंगा ना, ऑटोमेटिकली साउंड हो जाएगा स्टॉप। सो दोस्तों ये है वन प्लस बुलेट जेड बेस एडिशन, काफ़ी अच्छा है और कीमत है इसकी सेम टू सेम वही ओल्ड प्रोडक्ट जितनी ही प्राइस है 1,999 रुपीज़। तो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेस कर लीजिए क्योंकि इसका साउंड एक्सपीरियंस आपको काफ़ी गजब मिलने वाला है दोस्तों। तो चलो बाय, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको कंप्लेन है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता सकते हो। चलो दोस्तों बाय।